चली के शासन में हमसे बचते हैं। तीर्थंक जिन की पीयूष दृष्टा जिनेन्द्र भरी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो जयवंत मित्र सर्व संस्कृति भव्य जीवों के कोटि कोटि भवों के पुण्य जब सामने खड़े हो जाते हैं तब परमात्मा की भक्ति करने के परिणाम होते हैं। ये परम सत्य है इस कलयुग में और ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल की वातावरण में अरहंत के परमेष्टि की आराधना करने के परिणाम पंचवत प्रतिष्ठा करने के भाव और इंद्रवन की भक्ति करने के भाव शुभ एकांत में बैठ करके निर्णय लेना और जितने व्यक्ति शांत होगा जितना शांत होगा आपको उत्तर मिलेगा। जैसे कि घर में कुछ भी खाने को न दिखे तब भी बालक अपने घर के पात्रों को खोजता है। गरीब का बच्चा भी मटके के अंदर भी हाथ डालता है। हो सकता है किसी मटके में एक चने के दाने पड़े हो, उन चने के दानों को देख करके बालक नाच उठता है, कम से कम पानी पीऊंगा, चना चबा करके तो पानी तो नहीं लगेगा। ऐसे कलयुग में बैठ करके अपने घर के कोने में चिंतन करना, ऐसा कौन सा द्रव्य मेरा रखा था पुण्य के कोने में, आत्मा के कौन से प्रदेश पर वो पुण्य का द्रव्य है कि भले मैं कलयुग में आया फिर भी पंचम काल में चारों ओर क्रूरता भरी हो, उनके बीच में भी जैसे कीचड़ कमल में खिलता है ऐसे हमारा जैन दर्शन खिल रहा है और हमारे परिणाम पुण्य के हो रहे हैं। ये परम सत्य है। संपूर्ण समाज श्रीमान तुम्हारे पास कुछ नहीं है, एक बात पूर कर रखा हुआ पुण्य का ही द्रव्य है। इसलिए धर्म क्षेत्र पर आकर के धार्मिक अनुष्ठान करके इस बात पर निष्ठ हो जाओ कि जब तक पंचम काल की अंतिम सांस रहेगी तब तक भारत की भूमि पर एक जिन शासन जयवंत रहेगा, इसे कोई टालने वाला नहीं है। एक दिगंबर योगेश्वर ऐसे ही भारत की भूमि पर विचरण करते रहेंगे। भगवान शिव मंदिर के केवल में झलक रहा है और अंत अनुसिद्धों के केवल में झलक रहा है। जो भक्ति प्राणी इस अनुष्ठान में निष्ठ हो रहे हैं राघव जी इसमें कभी शंका मत करना। हर प्राणी के परिणाम नहीं होते, जिनकी दुर्गति का बंद हो चुका है वे इस शीत की लहरों में मित्र चाय के प्लेट पर अधर लगाए होंगे और जिनके पुण्य दिख रहे इस शीत की लहरों में भी जिनके अधरों पर जिनेन्द्र की भक्ति के पाठ चल रहे होंगे। जितने श्रावक यहाँ हैं श्राप का है ठोस निर्णय करना पड़ेगा। विजय भैया अपने कार्य पर जिसको विश्वास है वही सफल है। एक कभी नहीं निर्णय करना चाहिए कि मुझे देखने वाले कितने हैं। अभी अभी जब पारस धाम की ओर बिहार हो रहा था बढ़ जाता जी रावका जी रास्ते में आम के बगीचे दिखा रहे थे। महाराज जी देखो ये बगीचे आम ही आम लगे हुए हैं। मित्र आपको बोध होना चाहिए जिस पर बगीचे पर आम जो लगे हुए हैं उनकी गुठली से पूछो, वो नीचे थी कि ऊपर थी।
अपने भैया उठली नीचे न होती ऊपर आम कैसे आते। जिनको ऊंचाइयां हासिल करना है पहले नीचे छुपके रहना पड़ेगा। जो छुपके रहते हैं उनके आम आज अवध के आम पूरे देश में जाते विदेश में जाते हैं। मित्र किसके नाम पर? अवध के नाम पर जाते हैं। लेकिन आम की जो गुठली गाड़ी गई थी वो अपना सत्य मिटा चुकी है। ऐसे ज्ञान चाहिए है, भगवत्ता चाहिए है, तो अपना अस्तित्व मिटाना पड़ेगा। अपना अस्तित्व मिटा दोगे तो एक दिन का ऐसा अस्तित्व बनेगा कि जैसा महावीर विश्व में छाए ऐसे आप भी छाओगे। इसलिए कुछ पाना है तो खोना ही पड़ेगा। इसलिए वो तो कहा तुम्हारा शिव धर्मेंद्र ज्ञानी महावीर भैया आपका कर्तव्य बनता है कि संपूर्ण आप इंद्रों के नायक हो, संपूर्ण इंद्रों को इतना बासल देना कि सारे इंद्र महसूस करें हम ही सौ धर्मेंद्र हैं। एक गहरी विद्या मैंने आपको बताई है। राज्य उनका ही चलता है जो मंत्रियों को भी राजा जैसा बना देते हैं पर अपना राज्य कभी नहीं छोड़ते। सब प्रसाद से मिलना ये अपने कलाकारों को इतने खुश रखते हैं जितना सुम रहते हैं। अरे पिता को पिता कौन मना करेगा? पिता तो पिता है ही। बच्चों को खुश रखेगा तो पिता का सम्मान बढ़ेगा। गुरु तो गुरु ही रहेगा, गुरु शिष्यों का ध्यान रखेगा तो शिष्य गुरु से दूर नहीं होंगे। ये छड़ी का युग नहीं है, ये प्रेम का युग है। जो काम प्रेम से करा सकते हो वो डंडे से नहीं होता। इसलिए इतने आनंद के साथ जो यहाँ के मुखिया हैं पारस धाम के उन सब से मेरा कहना मित्र सारे काम भूल जाना और पृथ्वी बनकर के करण भैया चाहे विशाल हो चाहे संजय दोनों से कहना पृथ्वी बन के काम करना। जिस पर तुमने मंदिर बनाया है वह गड्ढा भी खोदा था पृथ्वी ने कभी नहीं कहा मित्र क्या कर रहे हो। आज जब अगवानी हो रही थी तो विशोक सागर कृपा से पुष्प वृष्टि भी हो रही थी लेकिन पृथ्वी पर ये फूल गिर रहे थे पर फूलों पृथ्वी ने कभी नहीं कहा कुछ भी नहीं दिखी तटस्थ है। ऐसे महान देवी होते हैं जो पृथ्वी जैसे क्षमा को प्राप्त होते हैं। यानी अपने जीवन में जब तक तनिक हो कोई कुछ कह भी जाए उसको प्रेम से मीठा खिला देना लेकिन उत्तर कड़वा मत देना। उस सबसे सुंदर मिठाई है विशाल छोटा और जो विशाल है बड़ा। संदीप भाई है मित्र आप तो ये दादा बाहूलाल से सीखना। इनने भी एक टीकमगढ़ में मंदिर बनवाया है और बनारसी दास ने चिन्हवा बनाया। जब बिटिया की शादी होती है तो कितनी बड़ा आदमी वो हाथ जोड़े घूमता रहता है। ये तो परमात्मा का पंचकलंक महोत्सव है इसमें आपको हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये सब जिनेन्द्र भक्त हैं सब भगवान के हाथ जोड़ के आएंगे। इसमें ज्ञानी न विशाल का पंचकलंक है न संदीप का है पंचकलंक तीर्थंकर भगवान का है। यही मंगल आशीष अपने जीवन में उत्कर्ष चाहिए है तो उपसर्ग सहन करते रहना नियम से और एक किंचित विकल्प मत करना। संख्या में मिठास नहीं खोजो, मिश्री में मिठास खोजो। गन्ना एक भी होगा तब भी मिठास होगा, वो हजार होंगे तब भी मिठास होगा। इसलिए ज्ञानी पंडित जी विकल्प नहीं करना। एक भी इंद्र होगा तब भी आनंद आएगा, वो हजारों इंद्र होंगे तब भी आनंद आएगा। वो प्रतिष्ठा शास्त्र में तो प्रतिष्ठा चार ही सौ इंद्र होता है। सुभाषीष
से आगे विचार करेंगे। आपके बीच में विशोक सागर ये विश्व सागर से मुनि संघ और दो माता जी हैं, इसलिए चतुर्वेद संघ की कल्पना आप कर रहे हो। एलेक जी भी है ना, चतुर्वेद संघ हो गया है, इसलिए ज्ञानियों सब आनंद होगा, आनंदमय होगा। और उत्तमा जय बोलने वाला विनय भाई बैठे ही है और बढ़िया अच्छा भाई, कोई वास्तु की कमी ना रह जाए, सारे वास्तु पूरे कर लेना, बस यही मंगल आशीष भगवान महावीर स्वामी की। सभी ध्यान दें, दोपहर के दोपहर